नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे अपने YouTube चैनल में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे अपने विंडोज 10 या लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर हम व्हाट्सएप या कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन हो उसे कैसे रन करें। दोस्तों, मोबाइल एप्लीकेशन में आपका व्हाट्सएप भी आ सकता है, टिकटॉक भी आ सकता है, ओपेरा आ सकता है, क्रोम, यूट्यूब, जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो सारे आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे एप्लीकेशन होते हैं जो हमारे विंडोज़ पे काम नहीं करते हैं, लेकिन इनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसका नाम है LEAPDROID। LEAPDROID एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारे एंड्रॉयड ऐप्स वर्क करते हैं और वहाँ काम करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने ये अपना LEAPDROID खोल रखा है, देखो आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ लिखा है LEAPDROID वर्जन 1.0.0.0। दोस्तों, अगर ये एप्लीकेशन आपके विंडो में इंस्टॉल है तो आप कुछ भी चला सकते हो, कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो उसको आप यहाँ से रन करवा सकते हो, चाहे वो कोई गेम ही हो, सबवे, इंस्टॉल कंसोल, जितने भी गेम दिख रहे हैं आपको ये सारे इंस्टॉल हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी ये व्हाट्सएप ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप अपने पीसी में एंड्रॉयड ऐप्स कैसे चलाएं। दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे हम। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये व्हाट्सएप है, ये देखिए दोस्तों, ये व्हाट्सएप चल रहा है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार आप कोई से भी व्हाट्सएप, चाहे कोई से भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन, आप उसको यहाँ से रन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसे कैसे इंस्टॉल किया जाए, चलिए शुरुआत करते हैं। इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। दोस्तों, आपको अपने ब्राउजर पे जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है LEAPDROID। देखिए दोस्तों, LEAPDROID 200 MB का एप्लीकेशन है, हालांकि इसे बड़े बड़े भी आते हैं तो ज़्यादा हैंग कर सकते हैं, 500 MB के आते हैं वो हैंग कर सकते हैं, जबकि 200 MB बहुत ही छोटा है, तो आप इसको आराम से बड़े ही डाउनलोड कर सकते हैं और ज़्यादा हैंग भी नहीं करेगा ये। दोस्तों, आपको सर्च करना है LEAPDROID, 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 एंटर कर देना है। तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है LEAPDROID.ensoftware.com। दोस्तों, इस पर क्लिक कर देना आपको, ये ऊपर ये LEAPDROID डाउनलोड पे क्लिक करना है यहाँ पे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये जो इसका स्क्रीन शॉट आपको यहाँ पे शो कर जाएगा और आपको यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, जैसे मैं करता हूँ, हालांकि मैंने कर रखा है लेकिन मैं आपको स्टेप्स सारे दिखा देता हूँ एक बारी। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इसे हम काट देंगे यहाँ से। देखिए दोस्तों, इसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। देखिए दोस्तों, दोबारा आ गया फ्री डाउनलोड, हम इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये डाउनलोड होना स्टार्ट होगा, आपको इसको अपने कंप्यूटर में रन करवाना है। जैसे कि ये कह रहा है 271 MB का है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 271 MB का है, हालांकि कुछ जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन आते हैं पीसी के लिए वो 500 MB तक के होते हैं, 300 MB तक के होते हैं और वो सही से वर्क नहीं करते, लेकिन ये LEAPDROID एक ऐसा एप्लीकेशन है जो बिना किसी प्रॉब्लम के आपके पीसी में वर्क करेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करेगा। ये सिर्फ 271 MB का है, आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। दोस्तों, आपको फिर यहाँ से डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, नॉर्मल इंस्टॉल होएगा जैसे और एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं, जैसे क्रोम इंस्टॉल होता है वैसे भी यही इंस्टॉल हो जाएगा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। इसको इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ओपन करोगे आप, जैसे मैंने ये कर रखा है, देखिए जैसे मैंने कर रखा है, जैसे मैंने कर रखा है अपने फ़ोन में, मैंने अपने पीसी में कर रखा है मैंने, जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा ये ऑफ हो गया। हाँ, देखिए दोस्तों, ये है LEAPDROID VM1 VM2, ये कुछ ऐसे आएगा, तो आप कोई सा भी इसको ओपन कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने ऐसे लिखा आएगा। तो जैसे मैंने इसको ओपन कर रखा, इसे मैं फिर काट देता हूँ, जो नीचे है ये इसमें एक बार कट कर देता हूँ और फिर शुरू से इसको ओपन करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन कर लेंगे, यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, फिर दोस्तों जैसे ये ओपन हो जाएगा, देखिए दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, ये LEAPDROID VR Innovators। तो जैसे ये खुलेगा तो आप सबसे पहले इसका प्ले स्टोर खोलेंगे। प्ले स्टोर खोलने के बाद वहाँ पर अपना ईमेल डालेंगे। ईमेल डालने से क्या होता है कि जितना भी इसके जो
लेटेस्ट एप्लीकेशन होते हैं सारे वो अपडेट हो जाते हैं और आप कोई सा भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, जितने भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे रन करवा सकते हैं। जैसे कि अभी लीपड्रॉइड खुल गया है, देखिए दोस्तों ये अभी ओपन हो चुका है और मैं आपको इसका पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बैक का बटन है, ये इससे बैक होता है, ये होम का बटन है और ये मल्टी स्क्रीन का बटन है। इस बटन में ये देखिए नोट सेंटर दिखा रहा है और ये है एप्लीकेशन के लिए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करते सारे एप्लीकेशन आ गया, कैमरा आ गया, ब्राउजर आ गया, क्लॉक, डाउनलोड्स, फाइल ब्राउजर, गैलरी, जैसा एक नॉर्मली फ़ोन होता है बिल्कुल वैसा आ गया। ये देखिए दोस्तों प्ले स्टोर है, इस पर क्लिक कर सकते हो आप। और दोस्तों यहाँ पर आप कोई सा भी एप्लीकेशन हो आप उसे देख सकते हो, आप इन्जॉय कर सकते हो। दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है लीपड्रॉइड और आप इसको जैसे मैंने सर्च किया वैसे ही आप इसको सर्च करके देख सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। ये सिर्फ 271 MB का है, ज़्यादा MB का नहीं है और आप इस पर कोई भी एप्लीकेशन रन करवा सकते हो बिल्कुल एंड्रॉइड की तरह। दोस्तों इसका शॉर्टकट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको मैं दे दूंगा वहाँ से, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से आप क्लिक करके आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है लीपड्रॉइड एंड्रॉइड एमुलेटर नाम है, इसे आप इंस्टॉल करिए और अपने PC में कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन रन करवाइए। दोस्तों अगर स्टेप्स क्लियर ना हो कि डाउनलोड कैसे करें तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए कैसे मैंने किया, और कोई कमेंट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए। थैंक्स दोस्तों।